नई किरण संस्थान ने श्रमिक परिवार के बच्चों को पिलाया काढ़ा। काढ़े के माध्यम से आने वाली तीसरी लहर से बच्चों को बचाना ही हमारा उद्देश्य है। खबर राजस्थान के पाली से है, जहां कोविड महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा कोरोना जागरूकता के विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कोरोना की तीसरी लहर का प्रभाव बच्चों पर पड़ने का अंदेशा को देखते हुए नई किरण संस्थान द्वारा बाड़ी नदी के किनारे रह रहे बेघर लोगों व बच्चों को नीम गिलोय का काढ़ा पिलाया गया व मास्क वितरण किया गया। नई किरण संस्थान की अध्यक्षा राजश्री चौहान ने बताया कि बेघर लोगों व शहर में चल रहे निर्माण कार्य कर रहे श्रमिकों को नीम गिलोय का काढ़ा पिलाया गया, जिससे इन लोगों में कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े व कोरोना महामारी के प्रति इन लोगों को जागरूक किया गया कि वे नियमित रूप से मास्क का प्रयोग करें, हाथों को बार बार धोएं व उचित दूरी बनाए रखें। इस पुनीत कार्य में संस्थान के सभी सदस्य उपस्थित रहे। ये भर रहा है जी आपके लाभ ये